आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, पत्ररक्षा की परिभाषा लिखिए। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमको हर रोज दिन कई जीवाणु विषाणु से संक्रमित होते रहते हैं, लेकिन हम हर एक जीवाणु विषाणु से बीमार नहीं होते। तो ये वजह से होता है, तो ये पत्ररक्षा की वजह से होता है। तो देखिए क्या होती है पत्ररक्षा। परपोषी जीव की रोगकारक जीवों से लड़ने की क्षमता, रोगकारक जीवों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? ये कहलाती है पत्ररक्षा। अब देखिए, पत्ररक्षा कितने प्रकार की होती है? तो ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है सहज पत्ररक्षा और एक होती है उपार्जित पत्ररक्षा। तो देखिए, हम यहां लिखते हैं, एक तरफ सहज पत्ररक्षा, सहज पत्ररक्षा, और दूसरी तरफ लिखते हैं क्या? उपार्जित पत्ररक्षा। उपार्जित पत्ररक्षा। अब देखिए दोनों में क्या अंतर होता है। जो सहज पत्ररक्षा होती है वो जन्म के समय क्या होती है? मौजूद होती है। यहां पर आ जाएगा सहज पत्ररक्षा में क्या आ जाएगा? जन्म के समय मौजूद। यानी कि जन्म के समय उपस्थित होती है। तो वहीं अगर हम बात करें उपार्जित पत्ररक्षा की, तो ये जन्म के समय मौजूद नहीं होती, इसको उपार्जित किया जाता है। यानी कि एक तरीके से इसको क्या किया जाता है? उपार्जित किया जाता है। यानी कि ये बनती है जन्म के बाद, तो उपार्जित किया जाता है। अब अगर हम बात करें तो सहज पत्ररक्षा में, तो जो सहज पत्ररक्षा होती है वो जो है कि अवशिष्ट होती है। कैसी होती है? अवशिष्ट, मतलब ये हर किसी के लिए एक समान कार्य करेगी, अवशिष्ट होती है। और जो उपार्जित पत्ररक्षा होती है ये क्या होती है? ये विशिष्ट होती है। इसका मतलब हुआ कि ये हर एक रोग कारक के लिए अलग होगी, विशिष्ट होगी। तो ये क्या है? ये विशिष्ट होती है। अब अगर हम बात करें सहज पत्ररक्षा में, तो इसमें जो कि क्या क्या आते हैं, तो अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें कौन आएगा? देखो उदाहरण देखते हैं। इसमें आ जाएगा कौन? त्वचा। जो हमारी त्वचा होती है वो एक पत्ररक्षा प्रदान करती है हमको। त्वचा के अलावा म्यूकोसा जो लार या जो है कि म्यूकोसा जो होती है, जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक यानी कि जिसमें पाई जाती है, वो म्यूकोसा होती है। उसमें जो है कि जीवाणु विषाणु वगैरह फंस जाते हैं, तो ये भी हमको ये क्या प्रदान करती है? पत्ररक्षा प्रदान करती है, त्वचा, म्यूकोसा। तो वहीं अगर हम बात करें उपार्जित पत्ररक्षा के उदाहरण की, इसमें कौन आ जाएगा? इसमें आ जाएंगी एंटीबॉडी। कौन आ जाएंगी? एंटीबॉडी आ जाएंगी। तो ये हो गई पत्ररक्षा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE, वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।